असलम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो जिस तरह की हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लेकर आएंगे आपके लिए ऑनटरपिन्योर्स को अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज जब हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन क्वालिटी ये सारी डिस्कशन uh, जब कर ली हुई है तो इसके साथ जुड़ी होती है एक बहुत अहम डिस्कशन और वो है द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिस प्रामिज़ ऑफ ब्रांड्स एंड बिजनेसिस जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है या कोई ब्रांड जब आपके पास आता है तो ऑबियसली उसने आपके साथ कुछ प्रामिज़ किए हुए होते हैं कुछ ब्रांड आपके साथ प्रामिसस करते हैं कि दे ऑलवेज़ कम अप विद लो प्राइस कुछ ब्रांड्स आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि वो प्राइस एंड क्वालिटी आपको दोनों ऑफ़र करेंगे कुछ ब्रांड्स आपको ऑफ़र करते हैं कि वो आपको बहुत हाई या प्रीमियम क्वालिटी जो है वो ऑफ़र करेंगे और ब्रांड्स आपके साथ जो प्रामिसज करता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चैनल से हो सकता है फॉर्मल चैनल से ऐसे हैं कि जिस तरह आपने किसी ब्रांड का कोई इश्तहार देखा या कोई बिलबोर्ड देखा और उसके नीचे उन्होंने अपनी टैग लाइन या अपनी हैश टैन ख़ुद लिखी हुई है कि दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस और एक प्रॉमिस होता है जो एम्प्रेसट होता है जो आप समझते हैं कि आप किसी ब्रांड या किसी बिजनेस के पास जा रहे हैं तो कम से कम आपको ये क्वालिटी या ये प्राइस या ये सर्विस तो ज़रूर मिलेगी या ज़रूर डिलीवर होगी ये प्रामिसज़ बड़े क्रिटिकल होते हैं बिकॉज़ ये एक रिलेशनशिप डिवेल्प करते हैं बिज़नेस यानी ब्रांड और कस्टमर के दरम्यान में ये कितने ज़रूरी हैं ये किस तरह कम्युनिकेट होते हैं ये रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप करते हैं ख़ास तौर पे अगर हम किसी एक प्रॉमिस पे चाहे वो एक्सप्लिसिट है और इम्प्लिसिट है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो कस्टमर्स कितने नाराज़ हो सकते हैं और उसकी रिकवरी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं इसके लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है माइन बट को शी इज़ वर्किंग एज एन ऑन टिपनोर सिंस टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन और फूड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं इनके प्रामिस तो ज़्यादा क्रिटिकल <laughs> होते हैं बिकॉज फूड इंडस्ट्री इज़ल वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री एवरी डे अ न्यू टेस्ट इन एवरीडे कस्टमर यू नो एक्सपेक्ट कि आज क्वालिटी कम है तो नाराज़ हैं और कल क्वालिटी अच्छी है तो uh, बहुत hmm. खुश हैं सो अगेन वेलकम इन द स्टूडियो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लेसड प्रामिसज की ब्रांड के साथ जो एक्सप्लिसिट प्रोमिस होते हैं ना जो आप बाकायदा अपने कस्टमर से कह कर वो वादा करते हैं कि आप क्या उनको डिलीवर करेंगे ये कितना ज़रूरी है और ये ज़्यादा स्मूदली किस तरह से हो सकता है असल वैल ओबियसली मैंने आप एक ऑन्टरप्रेनर हैं और आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपने सेल करनी है तो आपने एक क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है बिल्कुल और लोग तभी आपकी प्रोडक्ट आपसे लेंगे या वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब उनको पता हो कि आप उनसे क्या बेच रहे हैं आप उनको क्या चीज़ दे रहे हैं तो देर दिस नीड्स टू बी वेरी क्लैरिटी बड़ी क्लियर वॉल होनी चाहिए कि आपकी चीज़ क्या है बाकियों से डिफरेंट कैसे है इसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसकी फ़ीचर्स हैं या इसकी मेन चीज़ें हैं जो आप बाकियों से इसको डिफ्रेंश करिए एंड वाई दे शुड बिकॉज इनको लोगों को पता होना चाहिए बिकॉज वाई दे शुड चूज़ यू ओवर योर कॉम्पिटिशन ठीक है तो एज um, आज हम जैसे घर से काम करते हैं होम बेस्ड हैं तो बेक्स एंड डिज़र्ट्स एंड चीज़ें लेके आते हैं तो एक हमारे पास कम्युनिकेशन मैथड होता है हमारा पेज बिल्कुल ठीक है एंड पूरा एक फॉर्मेट है आई होप दिस होल पोस्ट ऑन माय पेज जो मैंने पिन की हुई है सबसे ऊपर जिसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन विद वाई इट्स डिफरेंट एंड हाउ इट्स डिफरेंट इसकी हैंडलिंग कैसे है इसकी लाइफ कैसे है इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इट्स ऑल देयर एंड इट्स फॉर एवरीबडी टू कम एंड सी दैट्स द फर्स्ट थिंग पीपल सी वैन दे लैंड ऑन माई पेज बिकॉज इफ़ यू नो ऑनलाइन पेजेज़ द पिन पोस्ट इज़ अ वन दैट इज़ लाइक स्मैक एट द टॉप ऑफ योर पेज ताकि सब कुछ ओपन हो लोगों को पता हो कि ये कहाँ आया, यहाँ से क्या मिल रहा है और क्यों ये सर्टन प्राइस में है इसकी लाइफ क्या है इसकी हैंडलिंग क्या है क्योंकि जब जितना ओपन होंगे क्लाइंट के साथ जितना क्लियरली आप उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लोगों का आपके ऊपर कि अच्छा दैट्स वाई वी शुड ट्राई हर प्रोडक्ट्स बिकॉज दिस 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 थिंग इज़ सो ओपन एंड क्लियर उनको पता है कि वो क्या बेच रहे हैं क्या खरीद रहे हैं वो क्लाइंट यानी मार्केट को कैप्चर करने hmm. में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं अच्छा ये तो होगी एक्सप्रेसिट माइंड अब आते हैं जैसे आपका भी एक बिजनेस है hmm. एक एमप्रेसिटर मैं अब आपसे बात hmm. कर रही हूँ जब मैं आपसे कुछ चीज़ लेने के लिए आऊँगी तो एक तो वो चीज़ है जो आपने फेसबुक पे या अपने किसी इंस्टाग्राम हाँ. पेज के ऊपर लिखी होगी एक वो है जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके हुँ. साथ पिंग कस्टमर अगर मैं आपसे कोई कस्टमाइज या प्रीमियम प्राइस पे कुछ चीज़ खरीद रही हूँ ये कैसे मैनेज होता है ये कैसे डिवेलप हो जाता है हुँ. और हुँ. आ, क्या ये explicit, मुझे तो कभी कभार लगता है ये से थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं ये क्या चीज़ होती है देखिए माई गेट यू द एज ओवर द वंस ठीक है क्योंकि सब लोग एक सर्टन प्रोडक्ट बेच रहे हैं जाहिर है उन्होंने उसकी एक सर्टन पोर्टफोल सब कुछ लिखा हुआ है हम ये ये कुछ दे रहे हैं बट जो आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं या सर्टन थिंग्स दैट थिंग नॉट बट यू यू स्टिल गिविंग देम टू पीपल गिव अ फुट अप लेग अप ठीक है किस तरह जैसे अगर कोई मेरे पास आता है होम बेस्ड बिजनेस है उनको पता है कि हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिलेगी ठीक है उनको पता है कि कोई प्रोडक्ट में सर्टन चीज हमें अच्छी नहीं लगेगी तो हम इनसे शेयर कर लेंगे तो शी कैन एक्चुअली हेल्प इट आउट हेल्प मी इसको फिक्स करने में प्रॉब्लम को या चीज़ को मेरे हिसाब से टर्न करने में एक कॉन्फिडेंस भी एक इम्प्लसिड प्रॉमिस है कि आपने एक चीज ली किसी से और आपको आपके दिल में तसली है अच्छा मैंने इनसे लिया ना तो क्वालिटी अच्छी ही होगी और वैसे मैं ये तो नहीं मैंशन करी कि आप इसको खा के बीमार नहीं होंगे यही मैंने है साफ जगह पे बनाई है या मैंने इंग्रीडियंस का बड़ा ख्याल किया माई इम्पलसिड प्रोमिस इफ़ यू कम टू माई पेज वुड माइंड ने बनाई ना इट वुड बी गुड बिकॉज लोगों की एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी बिल्कुल ठीक है लोगों के माइंड में यह है कि अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम इंटेंशली नहीं कर रहे होते हमारे पास कोई प्रॉब्लम ख़ुद से क्रिएट हो जाती है कभी कभी मार्केट में एक सर्टन इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा होता या कभी हम बॉक्सेस जैसे करते हैं वो कहीं से लाए अच्छी क्वालिटी के नहीं आए एंड क्लाइंट वुड कम एंड दे हैव दिस कॉन्फिडेंस कि जब हम इनसे बात करेंगे तो शी विल हैव इट द प्रॉब्लम फिक्सड फॉर अस उनको ये तसली है कि दे विल गेट देअ मनीज़ वर्थ आई थिंक जो मैं सबसे ज़्यादा जो प्रामिस प्रोवाइड करती हूँ इन दिस सेंस दैट पीपल नो कि उनके पैसे ज़्याया नहीं होंगे द कम एंड से माइन इस दफ़ा ना कुछ डिफरेंट था यू नो यू चीज़ के एक आइस क्रीम एट और लो पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ थिंगज नाउ द वेरी द क्लाइंट इज़ वेरी कॉन्शियस ठीक है कुछ चेंज किया इस दफा आपने क्या किया तो आई वुड से थे आर क्रीम चीज शॉर्ट था सो आई चेंज द ब्रांड एंड से नमाइंड थोड़ा सा ना फ्लेवर कम लग रहा था एंड दे नो के आई विल अपोलोजाइज

दस प्रॉमिस तो आप ये देखें कि आपकी प्रोडक्ट आप ज़ाहिर हर बंदा तो फूड इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा आपने एक सर्टन सेट ऑफ प्रोमिस दिए हुए हैं कुछ लोग प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं कुछ लोगों ने अपनी प्रोडक्ट फीचर्स अलग से अपने पेज पे अपने वेबसाइट पे लिखे होते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे हम एक हम हमेशा रिलेट करते हैं कि अच्छा फ्रेंच की फ्रेंच से डिजर्ट्स अच्छी होंगी फ्रांस की ठीक है स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स अच्छी होंगी अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ें जो आपके ब्रांड से रिलेट हो जाए आपके साथ रिलेट हो जाए

दोनों जरूरी हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो फीचर्स हैं वो लिस्टेड और वो क्लियर जरूर होने चाहिए एंड ऑब्वियसली यू हैव टू स्टैंडर्डाइज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कि वो एक दफा आपने फुलफिल कर लिया एंड यू गॉट द क्लाइंट एंड अब उनका इम्प्लिसड भी आपके साथ एक कनेक्शन हो गया वो भी डिवेलप हो गया उनका तो लेटर ऑन आपके जो जो आपने सॉलिड्स दिए हुए हैं या आपने जो क्लैरिटी दी हुई है वो उस पर रहना भी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन भी होनी चाहिए एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू दैट विल मेक यू मेटरशिप इज ऑलवेज अ मिक्स वो कहते हैं ना सारे मसालों की हांडी है That's कि आपने true. सब कुछ बीच में करना है एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑन द सेम लेवल कॉम्प्रोमाइज किसी चीज़ पे नहीं हो सकता कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ पे नहीं हो सकता अच्छा अब आ जाते हैं कि आपके एक्सप्लिसिट और इम्प्रिसिट प्रस क्योंकि लिटरेचर uh, भी हमें यह बता रहा है सर्वेस भी हमें यह बता रहे हैं ख़ासतौर तो पर हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल के ऊपर जितने भी बिजनेसिस ओपन होते हैं उनकी लाइफ एक साल दो साल तीन साल और उसके बाद आ, वो क्लोज हो जाते हैं और उनके क्लोज होने में बहुत सी आ, जो लीडिंग रीज़न है उनमें एक रीज़न ये भी होती है कि उनका मॉडल या सस्टेनेबल नहीं होता या जो ब्रांड का इमेज उन्होंने बनाया होता है वो कहीं खो जाता है और वजह यही होती है कि उनके इम्पिसिट प्रामिज़ जो होते हैं कस्टमर के साथ वो कहीं ब्रेक हो जाते हैं ये जो ब्रेक हो जाता है रिलेशनशिप ये जो ब्रेक हो जाता है प्रॉमिस और आपको नेगेटिवली हर्ट कर सकता है आपके बिज़नेस को इसकी रिकवरी किस तरह पॉसिबल है

रिव्यू को या एक अनहैप्पी क्लाइंट को हैंडल करना आई थिंक दैट्स द की द फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दैट एज एन ऑनडरपनी इट वॉज योर रिस्पांसिबिलिटी टू फुलफिल योर प्रोमिस ठीक है सो आप लोगों से ये नहीं कह सकते या ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यार मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की और नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ दैट इज नॉट द वे द प्रोफेशनल वे टू हैंडल एन इशू इज टू ओन दैट इट वॉज योर फॉल्ट बिल्कुल बिकॉज दिस इज नॉट ऑन करेंगे अपनीस इंस इट है आपने एक सर्टन क्लेम किया और आप उसको पूरा नहीं कर सके तो आपने ही क्लाइंट से नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते इनसे मेरी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है या मेरे रेगुलर क्लाइंट है तो वाई आर देस अबाउटेंट देव एस दाई देव स्पेंड दे मनी एंड दे एक्सपेक्टेड द सेम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फ्रॉम यू बिल्कुल तो आप मेंटेन नहीं कर सके, so है और फिर यू हैव टू क्रिएट एवरी पॉसिबल वे टू मेक श्योर कि आपका वो क्लाइंट जो कॉन्फिडेंस था वो दोबारा से बिल्ड हो उसमें फिर यह है कि आप उनको या तो रिफब्लिश करें बट वी डू जनरली इसके गलती ना भी हो तो सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है कि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी

ऑनटरपन्योर्स आपने देखा माइंड ने जिस तरह से बताया कि एक्सप्लिसिट और इम्पलिसट प्रोमिस जो होते हैं दोनों बड़े क्रिटिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कस्टमर के साथ एक बॉन्ड होता है थ्रू दीज प्रमिसेज इन में, इन प्रामिस तक रहना इन पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना किसी भी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इन केस कोई एक प्रॉमिस ब्रेक हो भी गया है तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें और मेक योर अनहैप्पी कस्टमर हैप्पी कस्टमर्स See you in the next video.